हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है एक बार फिर से आपका नए ब्लॉग में, नए टॉपिक के साथ। आज मैं जा रहा हूँ घूमने फिरने और आप लोग भी जाते होंगे वेकेशंस पे। तो यार, जब वेकेशंस पे हम छुट्टियों पे जाते हैं ना, और अगर आप फिटनेस, मतलब कि फिटनेस से आप रिलेटेड हो, मतलब कि आप अपने आप को फिट रखते हो और डाइट कॉन्शियस हो, और आप चाहते नहीं हो कि आपकी बॉडी ख़राब हो, और आप जब वेकेशंस पे जाते हो तो माइंड में एक थॉट आ जाता है कि यार वेकेशन पे तो जा रहे हैं बट डाइट को कैसे मैनेज करेंगे। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि जब आप वेकेशन पे जाते हो तो डाइट को कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है, एक सेकंड, जरा गाड़ी को रुक लेते हैं। थोड़ा सा बाहर धूप अच्छी चमकी हुई है, व्यू अच्छा लग रहा है, यहाँ पे देख भी लेते हैं और आपको भी दिखाते हैं और बात भी करते हैं, चर्चा। चलो, तो गाइस, जब भी आप वेकेशन पे छुट्टियां मनाने जाओ, तो आप जब घूमने फिरने जाते हो तो सबसे पहले तो आप ये सोचो कि यार छुट्टियां मनाने आ रहे हो तो चिल करो, घूमो फिरो, एंजॉय करो। ठीक है, और मतलब कि कोशिश करो कि मतलब कि ऐसा मत खाओ कि, मैं कह रहा हूँ कि मस्ती मारो, खूब खाओ पियो जो करना चाहते हो, बट ऐसा मत खाओ कि जो बहुत ज़्यादा ऑयली हो या मीठा हो या जिसमें कार्ब्स क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, मस्ती करो, आप जो खाना है वो खाओ, एंजॉय करो। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं यार, मैं डाइट को थोड़ा सा मेंटेन करना चाहता हूँ ताकि मुझे जाके जो है वापसी जब मैं रिटर्न जाऊँ तो बहुत ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, तो उस केस में क्या कर सकते हो, आप थोड़ा बहुत डाइट को मेंटेन कर सकते हो। तो आजकल जो है होटल्स के अंदर हर फैसिलिटी होती है। सबसे पहले तो आप कोशिश करो कि ऐसा होटल बुक करो कि जहाँ पे आपको बफे मिल जाए, और बफे के अंदर जो है काफ़ी अच्छा ब्रेकफास्ट, हेल्दी ब्रेकफास्ट मिल जाता है, एग्स, ओट्स, कॉर्नफ्लेक्स और चोकोस या पोहा, डोसा, इस टाइप के काफ़ी अच्छे आइटम मिल जाते हैं, काफ़ी हेल्दी आइटम मिल जाते हैं, जिससे कि आपकी डाइट ख़राब नहीं होती है। और फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं मतलब कि ऐसा होटल नहीं बुक करना चाहता जहाँ पे बफे वफे ना हो, तो आप अपने साथ कैरी कर सकते हो ओट्स, थोड़े से नट्स और थोड़े से फ्रूट्स, और अगर फ्रूट्स कैरी नहीं कर सकते तो खाली ओट्स और नट्स आप कैरी कर लो, या थोड़ी सी मूसली आप कैरी कर लो। तो आप रात को सोते टाइम जो है किसी भी छोटे से बाउल में जो है अपना ओट्स को भिगो दो, और जब आप मॉर्निंग में उठो तो जो है वो अच्छे से बिल्कुल खिल के आपके सामने रेडी रहेंगे, और आपने उसमें खाली नट्स को मिक्स करना है और या तो मूसली को मिक्स करना है, और आप कहीं से बनाना खरीद लो एक आध, या थोड़ा सा फ्रूट नहीं खरीदते हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसको मिक्स करके आप खा सकते हो। और अगर आप कैरी कर सकते हो या आप कहीं से अरेंज कर सकते हो एक बनाना या एप्पल, तो आप वो कट करके उसमें मिक्स कर सकते हो। इससे हेल्दी ब्रेकफास्ट नहीं हो सकता है, ये सबसे अच्छा ब्रेकफास्ट है हेल्दी, जिसमें कि आपको किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, और आप ईजिली इसको बना भी सकते हो और कैरी भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप जो है थोड़े से बाहर आप आउटिंग पे जाओगे घूमने फिरने, तो आप कोशिश करो कि जब आउटिंग पे जाओ तो लंच से पहले स्नैक्स कर लो, कोई कहीं से फ्रूट चाट वगैरह खा लो आप, और फ्रूट चाट खा के जो है आप अपना जो है फिर आप अपना इंजॉय करो, जो आपने देखना है घूमना फिरना है आप करो, पार्टी करनी है पार्टी करो, या कहीं जाना है आपने, कहीं जगह घूमना है तो वो करो। उसके बाद आ जाती है बात, आती है फिर लंच की। तो लंच में जो है आप या तो आप ऐसी जगह जाओ जो आके आप मतलब कि आप अगर दाल चावल नॉर्मल खाना खाना चाहते हो तो नॉर्मल भी खा सकते हो, बट कोशिश ऐसी करो कि उसमें चपाती भी हो, राइस भी हो, बट थोड़ी क्वांटिटी में, एक एक क्वांटिटी में, और दाल ज़्यादा हो, सब्जी ज़्यादा हो। ठीक है, बट अगर आप चाहते हो कि मैं और हेल्दी खाना खाना चाहता हूँ तो आप किसी सब्वे में जाओ, वहाँ पर आप जो है सैलड जो है वो बुक करो, सैलड ऑर्डर करो, या आप कोई कोई भी सबवे का जो है बर्गर जो है वो आप ऑर्डर कर सकते हो, उसमें जो है सैलड डलवाओ, या चिकन सैलड डलवाओ, या वेजिटेबल सैलड डलवाओ, और वो आप खा सकते हो, उससे भी हेल्दी कुछ नहीं हो सकता, ये आपका अच्छा लंच हो जाएगा। ठीक है, बस आपने अवॉइड क्या करना है, पीछे का व्यू जो है काफ़ी अच्छा, ग्रीनरी है, तो आपने अवॉइड क्या करना है, आपने अवॉइड करना है सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा तली हुई चीज़ें जिसमें घी तेल ज़्यादा हो, ऐसी चीज़ें अवॉइड करनी, और मीठा अवॉइड करना है। अब चलते हैं इवनिंग में, तो इवनिंग में जो है आप कहीं से भी जो है ग्रीन टी वगैरह या टी वगैरह ले लो, उसके साथ बिस्किट ले लो, या नट्स खा लो, ठीक है, या दोबारा से फ्रूट चाट खा लो, और फिर आप जो है अपना फिर से इंजॉय करो, जहाँ घूमना फिरना घूमो फिरो। उसके बाद आ जाती है बात डिनर की, तो डिनर में दोबारा से आप चिकन खा सकते हो, आप नॉन वेजिटेरियन हो तो, और अगर वेजिटेरियन हो तो कोई अच्छी सी मिक्स वेजिटेबल खा सकते हो। इस तरीके से आप अपना पूरा दिन जो है मैनेज कर सकते हो, और अपनी मस्ती कर सकते हो, अपने वेकेशन को अच्छे से इंजॉय कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं ये सब चीज़ें
नहीं मैनेज करना चाहता हूँ तो आप जैसे आप अपने वेकेशन मनाते हो आप मनाओ, खूब खाओ पियो मौज मस्ती करो, बट फिर भी कोशिश करो कि आप मीठा ना खाओ और ज़्यादा तला हुआ ना खाओ, ठीक है। और साथ ही साथ में अगर आपको लगता है कि आप इन सब चीज़ों को याद नहीं कर पाओगे जो मैंने अभी वीडियो में बोला है, तो उसके लिए मैंने आपकी हेल्प के लिए एक PDF बना दिया है जिसमें कि मैंने ये सारी चीज़ें मेंशन कर दी हैं और अच्छे से डिटेल में मैंने मेंशन कर दिया है, एक अच्छे सा प्रॉपर वेकेशन डाइट प्लान बना दिया है। तो वो आप जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो और उसको फॉलो कर सकते हो। अपने वेकेशन को एंजॉय करो, हेल्दी रहो, फिट रहो और मेरे चैनल को कर लो सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड सर्कल में कर दो शेयर और बेल आइकन का बटन दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिले। मैं कोशिश हमेशा करता हूँ कि एक अच्छा टॉपिक आपके सामने लेकर आऊँ और हमेशा जो है मेरा टॉपिक अच्छा ही होता है, बट आप लोगों का प्यार इतना अच्छे से नहीं मिल पा रहा है कि मेरे को और मोटिवेशन मिले, तो धन्यवाद आपका। प्लीज़ प्यार और बांटो, मुझे और प्यार चाहिए, प्यार की कमी खल रही है, जाके घंटी जोर से दबाओ, पूरे एरिया में आवाज आना चाहिए कि हसल आर्ट विक्रम का ब्लॉग आ चुका है। चलो चलते हैं अब वेकेशन पे, गाड़ी में बैठते हैं और घूमने चलते हैं। बाय बाय।